मंदिर में गंदगी फैलाने, प्रतिमाओं को नुकसान पहुंचाने, तोड़फोड़ करने और चोरी की खबरें अक्सर सुनने को मिलती हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा शिकारीपाड़ा प्रखंड के ढाका गांव में स्थित काली मंदिर में देखने को मिला, जिसमें शरारती तत्वों ने मंगलवार को मांस फेंक दिया। इससे गांव में तनाव की स्थिति पैदा हो गई। मांस के साथ शिवतल्ला पंचायत के उपमुखिया खलीला का नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ एक पर्चा भी है। सूचना के बाद एसडीपीओ नूर मुस्तफा अंसारी व पुलिस निरीक्षक संजय सुमन मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों की मांग है कि पहले पर्चा में जिस व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है उसे मंदिर में लाया जाए, लेकिन मौजूदा हालात और तनाव की स्थिति को देखते हुए पुलिस उसे लाने का साहस नहीं कर पा रही है। पुलिस का मानना है कि किसी ने उप मुखिया को फंसाने के लिए इस तरह की हरकत की है। पुलिस लोगों को समझाने का प्रयास कर रही है। मालूम हो कि गांव में हिंदू, आदिवासी और मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ये बार बार होता है, इसके पहले भी दो बार हो चुका है। प्रशासन हम लोग को सलाह दे चुका है कि हो जाएगा, लेकिन अभी तो कोई कुछ नहीं हुआ। फिर तीसरा बार ये हम लोग घटना देख रहे हैं, तो प्रशासन हम लोग को बता रहा है कि हम यहाँ से उठा के ले चल जाएंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। हम लोग कुछ नहीं सुन जानते हैं, फैसला यही होगा, यही घटना स्थल में ही होगा फैसला। वो मांग रखा हुआ है, उसका मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, नाम भी दिया हुआ है, खलील अंसारी। इससे पहले भी यहाँ हो चुका है? हाँ, दो बार। यहाँ नहीं, लेकिन शिव मंदिर में हुआ। मंदिर में हुआ? हाँ, उसमें भी पंचायती हुआ था। 5-10 गांव लेके थाना पुलिस, एसपी, डीएसपी सब आए हुए थे, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुआ था 4-5 साल पहले। अभी हम लोग यही फैसला चाहते हैं। फैसला में क्या चाहते हैं, जिसका नाम है उसको यहाँ बुलाया जाए, उसको पूछेंगे कि ये कौन, क्या है, सच क्या है, वही बताएगा। सच वही बताएगा, जिसके ऊपर शक है सच वही बताएगा। क्या नाम है? जी, राधे श्याम साहा। शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र का ढाका गांव है। यहीं पे खुले स्थान पे काली मंदिर का पूजा स्थल है। इसमें जानकारी मिली है कि किसी असामाजिक तत्व के द्वारा कोई मांस का टुकड़ा रखा गया है पॉलिथीन में, और उसी के संबंध में हम लोग आए हुए हैं और जांच कर रहे हैं। एक केस करके कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो भी लोग होंगे इसमें संलिप्त, उसको चिन्हित करके न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।